सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे संधारित्रों के संयोजन की। संयोजन आपने पहले भी पढ़ा है, याद करिए कहाँ, क्लास टेंथ में आपने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था। तो क्यों ना हम अपनी बात वहीं से स्टार्ट करें और चलिए देखते हैं कि आपको कितना कुछ याद है। प्रतिरोधों का संयोजन हमने दो प्रकार से पढ़ा है, एक श्रेणी क्रम, एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। समांतर क्रम, तो जरा आप मुझे ये बताइए कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है और समांतर क्रम में प्रतिरोधों को कैसे व्यवस्थित किया जाता है। अगर याद नहीं है तो हम हैं ना याद दिलाने के लिए। कैसे बच्चा, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है और यही प्रक्रिया चलती जाती है। क्या करना है, पीछे वाले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो आगे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है और फिर वही चीज़ आप इसके लिए भी करेंगे। ये भी अब एक प्रतिरोध हो गया, इसके दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ेंगे और लास्ट में क्या करना है, जो पहला प्रतिरोध है उसके पहले सिरे और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे के बीच में एक बैटरी लगा दीजिए, एक बैटरी लगा दीजिए। और क्या चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए श्रेणी क्रम में? श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है क्योंकि रास्ता एक ही है। अगर रास्ता एक ही है तो सबको उसी से होकर जाना पड़ेगा। तो देखिए, रास्ता एक ही है तो सभी प्रतिरोधों में धारा एक ही प्रवाहित होगी, लेकिन विभवांतर अलग अलग हो सकता है। विभवांतर अलग अलग हो सकता है, अलग अलग प्रतिरोधों में विभवांतर अलग अलग हो सकता है। तो ये है श्रेणी क्रम। लेकिन ये सारी चीजें मैं आपको यहां क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यही सब चीजें आपको फिर से करनी है। किसके लिए? संधारित्र के लिए। बस जहां जहां पे आप वर्ड शब्द प्रतिरोध यूज करते हो वहां वहां पे आपको क्या यूज कर लेना है, संधारित्र यूज कर लेना है। चलिए पहले समांतर क्रम को भी समझ लेते हैं, फिर हम आएंगे मेन मुद्दे पर। अब बताइए, समांतर क्रम में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में कैसे करना है, बताइए जरा। समांतर क्रम में कैसे करेंगे? समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु से और सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक बैटरी लगा दीजिए। ये हो गया समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होगा बच्चा, देखिए समांतर क्रम में धारा आएगा और इस वाले जंक्शन पर, इस वाले संधि पर, इस वाले बिंदु पर, देखिए रास्ते जो है बंट जा रहे हैं, तो कुछ धारा इधर जाएगा, कुछ धारा इधर जाएगा, कुछ धारा इधर जाएगा। मान लीजिए ये आई वन है, ये आई टू है और ये आई थ्री है। तो समांतर क्रम में जब आप प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं तो अलग अलग प्रतिरोधों में अलग अलग धारा प्रवाहित होती है, लेकिन विभवांतर समान रहता है। सभी प्रतिरोधों में विभवांतर समान रहता है और ये सारी चीजें आप याद रखिए, क्योंकि आपको प्रतिरोधों का संयोजन फिर से पढ़ना है। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर थर्ड विद्युत धारा, वहां भी आपको प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो यहां मैं रिवाइज इसलिए करवा रहा हूं कि जब आप संधारित्रों का संयोजन करेंगे तो वहां भी हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं कि आप ऑलरेडी वाकिफ हो उन चीजों से कि श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम में क्या करना है, पहले वाले को दूसरे से, दूसरे वाले को तीसरे से, तीसरे वाले को चौथे से, ऐसे जोड़ते चले जाना है। अब वो प्रतिरोध हो या संधारित्र हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये भी देखिए कि श्रेणी क्रम में
धारा समान है, विभवांतर अलग अलग है। समांतर क्रम में धारा अलग अलग है, विभवांतर समान है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, तुल्यांकी प्रतिरोध निकालते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन के लिए तुल्यांकी प्रतिरोध का फॉर्मूला याद होगा। क्या होता है तुल्यांकी, R इक्वलेंट इज इक्वल टू, जब आप प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है, तुल्यांकी प्रतिरोध सबको जोड़ देना होता है। सबको जोड़ दीजिए, यह ऐसा यहां पे मिलेगा। समांतर क्रम में क्या होता है, 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये समांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन के लिए तुल्यांकी प्रतिरोध है और यह श्रेणी क्रम के लिए है। और अब देखिए, जब आप संधारित्रों का संयोजन करेंगे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, तो इन फॉर्मूलों का स्वरूप थोड़ा सा बदल जाएगा, बदलना नहीं एकदम उल्टा हो जाएगा, समांतर इधर आ जाएगा, श्रेणी उधर चला जाएगा। चलिए करके देखते हैं, तब समझ में आएंगी चीजें। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम संधारित्रों का संयोजन पढ़ेंगे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। जैसा कि आपने प्रतिरोधों को संयोजित किया है श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, वैसे ही हम संधारित्रों को भी संयोजित करेंगे श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में कैसे संयोजित करना है बच्चा, आपको पता है श्रेणी क्रम का रूल आपको पता है। चलो मान लिया कि ये मेरा पहला संधारित्र है, ओके, ये मेरा सेकंड संधारित्र है, ओके, और ये मेरा थर्ड वाला संधारित्र है। पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र, ठीक है। चलो मान लिया कि इसकी धारिता C1 है, वहां प्रतिरोध यूज करते हो, यहां धारिता यूज करेंगे। मान लिया इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है, अलग अलग है। इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है। मान लेते हैं कि ये जो पहला संधारित्र है इसके प्लेटों के बीच का विभवांतर V1 है, और जो सेकेंड वाला संधारित्र है उसके प्लेटों के बीच का विभवांतर V2 है, और ये जो थर्ड वाला संधारित्र है इसके प्लेटों के बीच का विभवांतर V3 है। V1, V2, V3 श्रेणी क्रम में है, विभवांतर अलग अलग हो सकता है। और अब देखिए क्या करना है, श्रेणी क्रम में कैसे करेंगे, जो पहला संधारित्र है उसके दूसरे प्लेट को, जरा ध्यान दीजिएगा, जो पहला संधारित्र है उसके सेकंड प्लेट को सेकंड वाले संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिया जाता है। सेम टू सेम है ना, जब बस वहां पे प्रतिरोध की बात हो रही थी, यहां पे संधारित्र की बात हो रही है। जो आपका पहला संधारित्र है उसके दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिया गया है। उसके बाद जो सेकेंड वाला संधारित्र है उसके दूसरे प्लेट को थर्ड वाले संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिया गया है, और यही क्रम आप कंटिन्यू करेंगे, यही क्रम आगे बढ़ेगा। उसके बाद पहले संधारित्र के पहले प्लेट और अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट के बीच में आप क्या लगा देंगे, एक बैटरी लगा दीजिए, एक बैटरी लगा दीजिए। मान लीजिए बैटरी का जो विभवांतर है वी है, क्लियर है ये। और अब देखिए, जब आप बैटरी लगाएंगे तो यहां पे क्या मिलने वाला है, इसको इसको धन आवेश मिलने वाला है बच्चा। मान लीजिए प्लस क्यू मिला, उतना ही यहां पे माइनस क्यू मिलेगा, प्लस क्यू माइनस क्यू। और अब देखिए, ये अपने आप में एक विद्युत निकाय है, ये भी अपने आप में एक विद्युत निकाय था, ये भी अपने आप में एक विद्युत निकाय था। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो देखिए, अभी संधारित्र पे कुल आवेश कितना है, नेट चार्ज कितना है, कुल की बात कर रहा हूं मैं। पहले प्लेट पे प्लस क्यू है, पहले प्लेट पे कितना है, पहले प्लेट पे प्लस क्यू है, दूसरे प्लेट पे माइनस क्यू है। तो इस संधारित्र पे कुल आवेश तो जीरो है ना, किसी भी संधारित्र पर नेट चार्ज शून्य होता है, जीरो होता है। तो जब आप जोड़ेंगे ना बच्चा, तो इस वाले आपको लगाना पड़ेगा आवेश संरक्षण का सिद्धांत, इसका आवेश भी क्या होना चाहिए, जोड़ने के बाद भी नेट चार्ज शून्य होना चाहिए। तो यहां पर उतना ही प्लस क्यू प्रोड्यूस होगा,
उतना ही प्लस की ओ और उतना ही माइनस की ओ यहां भी उत्पन्न होगा, क्योंकि यहां पे जब उतना ही प्लस की उत्पन्न हो गया तो यहां पे उतना माइनस की ओ आना ही आना है, और यही चीज यहां भी होगी, उतना ही प्लस की ओ यहां पर, उतना ही प्लस की ओ यहां पर और उतना ही माइनस की ओ यहां पर। क्लियर है ये? तो यहां पर क्या क्या पॉइंट आप नोट कर पाओगे? पहला क्यू यानी कि चार्ज, चलो चार्ज लिख देते हैं, यानी कि आवेश। चार्ज क्या रहेगा बच्चा? चार्ज यहां पर सेम रहता है, जैसे कि वहां पे करंट सेम रहता है, यहां पे चार्ज की बात हो रही है। जब आप संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करोगे तो सभी संधारित्रों पर आवेश की मात्रा समान रहती है, चार्ज समान रहता है। और याद रखना है आपको, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आंकिक प्रश्न हल करेंगे, तो हर एक पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए, हर एक पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, तब तो आप न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। न्यूमेरिकल अपने आप में कोई बड़ी चीज नहीं है बच्चा, वो बहुत आसान होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखिए श्रेणी क्रम में कैसे पता चलेगा, आपको पता करना पड़ता है ना, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपको पता करना पड़ता है कि श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है। बस एक ही चीज देखना है, क्या जाने का रास्ता एक ही है। ये मान लीजिए कि ये सब पुलियां हैं, ये सब पुल हैं, ठीक है, ये पहली नदी पे बना पुल, ये दूसरी नदी पे बना पुल और ये तीसरी नदी पे बना पुल, रास्ता एक ही है, हाईवे एक ही जा रहा है, देखो हाईवे एक ही है ना, ये हाईवे जा रहा है, देखिए हाईवे एक ही है, ये हाईवे गया एक पुल पड़ गया, फिर ये हाईवे गया फिर उसी रास्ते पे दूसरा पुल पड़ गया, फिर ये हाईवे गया उसी रास्ते पे तीसरा पुल पड़ गया। तो अगर एक ही रास्ते में आ रहे हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप देख पाओगे कि पहले संधारित्र का जो दूसरा प्लेट है वो अगले वाले के पहले प्लेट से जुड़ा है, और यही चीज इसके साथ भी हो रहा है, इस संधारित्र का दूसरा प्लेट अगले वाले के पहले प्लेट से जुड़ा है, तो आप समझ जाएंगे कि ये किसमें है, ये श्रेणी क्रम में है, और अगर श्रेणी क्रम में है तो चार्ज सेम रहेगा, याद रखिएगा। विभवांतर अलग रहेगा बच्चा, विभवांतर क्या रहेगा, विभवांतर अलग रहेगा, सारी चीजें यहां पे नोट कर दिया है मैंने, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, बिना विलंब के बिना देर किए श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हम लोग तुल्यांकी धारिता का व्यंजक निकाल लेते हैं, तुल्यांकी धारिता का व्यंजक। चलिए देखो कैसे करना, चलियो चलियो चलियो, चलो मान लिया कि ये पहला संधारित्र, ओके अब ऐसे दिखा सकते हैं, ये दूसरा संधारित्र और ये तीसरा संधारित्र है, ओके बच्चा, इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है, यहाँ का विभवांतर मालूम है आपको कितना है, यहाँ का विभवांतर जानते हैं आप कितना है, यहाँ का विभवांतर जानते हैं आप कितना है, ये V1 लिया है, ये V2 लिया है और ये V3 लिया है, और ये लगा दिया बैटरी। मान लेते हैं बैटरी का जो धनात्मक टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, उसका पोटेंशियल V+ है और नेगेटिव वाले का 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी कितना हो जाएगा, बैटरी के सिरों के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा, V-0 यानी कि V ही आएगा। तो यहां पर देखिए यही पोटेंशियल डिफरेंस, यही विभवांतर इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में भी होगा। देखिए अगर आप बैटरी से चल रहे हैं और रास्ते में कोई दूसरा ब्रिज नहीं है, कोई ब्रिज मतलब कोई संधारित्र नहीं है, कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई इंडक्टर नहीं है, प्रेरकत्व तो नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 में, चैप्टर 6 में प्रेरकत्व तो भी होता है, इंडक्टर भी होता है, एक एलिमेंट सर्किट का एक एलिमेंट, रेजिस्टेंस तो है ही है, प्रतिरोध तो होता ही है, प्रतिरोध आप पढ़ चुके हो, कैपेसिटेंस आपने देख ही लिया है, संधारित्र तो होता ही होता है, इंडक्टर भी है एक, जिसको हम लोग इंडक्टर यानी कि प्रेरकत्व, प्रेरणा कुंडली, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहां पर देखिए बच्चा क्या हो रहा है, यहां से यहां तक जो विभव यहां का है वही विभव यहां का भी होगा, जो विभव यहां का है वही विभव यहां का भी होगा, यहां का विभव V+ हो गया, यहां का विभव 0 हो गया, ओ नहीं है ना, वो 0 है। तो इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच का कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, V+-V0 यानी V, और V किसका योग होगा, ये विभवांतर प्लस ये विभवांतर प्लस ये विभवांतर, तीनों विभवांतर को जोड़ दीजिए, V1+V2+V3 हो जाएगा।
यहां और यहां का जो कुल विभवांतर आपको दिख रहा है कि v माइनस जीरो यानी v है, तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, v1 प्लस v2 प्लस v3। तो कैपिटल v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3। और आपको मालूम है सब पे चार्ज तो उड़ना ही है, यहां भी q चार्ज है, q चार्ज यहां भी है, q चार्ज यहां भी है, q चार्ज यहां भी है। एक छोटा सा फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन सा फॉर्मूला, q इज इक्वल टू सी वी होता है। तो जब आप पहले वाले के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, q इज इक्वल टू सी वन वी वन लिखेंगे, c1 v1। सेकेंड वाले के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, q इज इक्वल, अच्छा सब तो उसी के इक्वल है, सब में तो चार्ज सेम ही है ना, तो आप c2 v2 भी लिख सकते हो, आप c3 v3 भी लिख सकते हो। यहां भी आवाज उठना ही है, यहां भी आवाज उठना ही है, यहां भी आवाज उठना ही है। अब यहां से मैं क्या करूं, v1 निकाल लेता हूं, v2 निकाल लेता हूं, v3 की वैल्यू ले लेता हूं। v1 कितना आएगा, v1 हो जाएगा q बाई c1, v2 हो जाएगा q बाई c2, और v3 कितना हो जाएगा, v3 हो जाएगा q बाई c3। q बाई c1, q बाई c2, q बाई c3, इन वैल्यूज को यहां रखिए तो आपको मिल गया v इज इक्वल टू q बटा c1, q बटा c2, q बटा c3। ओके, अब देखिए जरा, जब हम तुल्यांकी की बात करेंगे तो इन तीनों को हटाकर, इन तीनों को हटाकर क्या रखेंगे, एक संधारित्र रखेंगे। हमारा मकसद वही है, तुल्यांकी का मतलब क्या है कि तीनों को हटाइए और एक संधारित्र रखिए। मान लेते हैं कि इसकी धारिता कैपिटल सी है, इसकी धारिता कैपिटल सी है, हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों संधारित्रों को हटाकर एक संधारित्र रखेंगे जो इन तीनों के बराबर काम करेगा। जितना काम ये तीनों मिलके कर रहे हैं उतना काम ये अकेला करेगा, इसलिए तो बोल रहे हैं तुल्यांकी, बैटरी तो वही है। ओके, तो जब आप इस संधारित्र की बात करेंगे तो इस संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना रहेगा, कैपिटल वी रहेगा। कैपिटल वी देखिए, ये और ये के बीच में आपने लगाया एक संधारित्र, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में आपने ये संधारित्र लगाया है, तो इसके प्लेटों के बीच का विभवांतर वही रहेगा जो इस बैटरी के इलेक्ट्रोडों के बीच रहेगा। तो ये हो गया कैपिटल वी। तो जब मैं फॉर्मूला लगाता हूं इसके लिए, अच्छा और इस पे भी आवेश कितना रहेगा, इस पे भी चार्ज यानी कि आवेश कैपिटल क्यू ही रहेगा, आवेश उठना ही रहेगा बच्चा, क्योंकि रास्ता एक ही है ना, रास्ता एक ही है, तो इस पे चार्ज भी क्यू रहेगा। तो इसके लिए लगाइए, इस वाले के लिए फॉर्मूला लगाइए, ये वाले फॉर्मूले को, तो यहां से मिल जाएगा आपको v इज इक्वल टू क्यू बाई सी। क्या मिल गया आपको, आपको मिल गया v इज इक्वल टू क्यू बाई सी, और अब इसकी वैल्यू यहां रख दीजिए तो ये हो जाएगा क्यू बाई सी इज इक्वल टू क्यू बाई सी वन प्लस क्यू बाई सी टू प्लस क्यू बाई सी थ्री। मिल गया, कटने का तो बहुत पूरा ऑफर है, काटो इसका, ठीक है, काटने में कितना अच्छा लगता है, खुद का कटता है तो पता चलता है। वन बाई सी इज इक्वल टू वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू प्लस वन बाई सी थ्री, यानी कि देखिए श्रेणी क्रम में तुल्यांकी धारिता कितना हो जाएगा, वन बाई सी इज इक्वल टू वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू प्लस वन बाई सी थ्री प्लस अप टू सो वन, जितना है आगे बढ़िए आप, ठीक है, श्रेणी क्रम के लिए। लेकिन प्रतिरोधों के लिए श्रेणी क्रम कैसा था, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री था, तो ऐसे ही याद रखना कि उल्टा होता है, संधारित्र के लिए देखेंगे तो उल्टा होगा। ऐसा स्वरूप किसका था, प्रतिरोधों के समांतर क्रम के लिए था, लेकिन यहां पर जब आप बात करते हैं संधारित्र की तो ये श्रेणी क्रम के लिए है। वन बाय सी इज इक्वल टू वन बाय सी वन प्लस वन बाय सी टू प्लस वन बाय सी थ्री। ओके डन, बढ़िया। अच्छा यहां पे एक दो चीज और नोट करते हैं, थोड़ा सा मान लीजिए आपके पास सी वन और सी टू दो धारिता वाले संधारित्र हैं, तो उस कंडीशन में वन बाय सी इज इक्वल टू वन बाय सी वन प्लस वन बाय सी टू, आप इसको लिख सकते हैं वन बाय सी इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू
डिवाइडेड बाय सी वन सी टू, और जब आप सी निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, सी वन सी टू डिवाइडेड बाय सी वन प्लस सी टू। ओके, कैपिटल सी इक्वल टू सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू। तो अगर केवल दो संधारित्र हैं तो आप ये फॉर्मूला पटाख से लगा सकते हो। ओके, क्लियर है। और देखिए इस फॉर्मूले से एक बात और स्पष्ट है कि जब आप संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो तुल्यांकी धारिता क्या हो जाती है, तुल्यांकी धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता से कम हो जाती है। क्योंकि देखिए आपको पता है ऐसे फॉर्मूले में क्या होता है, ये जो कैपिटल सी मिलेगा, जो तुल्यांकी धारिता मिलेगा, वो सी वन से सी टू से सी थ्री से जितना भी डर हो उन सबसे कम होगा, उन सबसे कम होगा। तो इसको मैं लिख रहा हूं और ये आप याद रखोगे। तो इसका मतलब क्या है, आप संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कब संयोजित करेंगे, आप संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कब संयोजित करेंगे, जब आपको धारिता क्या करना होगा, जब धारिता कम करना हो, कम करना हो। ठीक है, जब आपको तुल्यांकी धारिता कम चाहिए होगी, बढ़ाना नहीं है, धारिता को बढ़ाना नहीं है, धारिता को घटाना है, तब आप श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। देखिए यहां पर 1 बाय सी, यहां पे जो सी मिलेगा ना, जो सी की वैल्यू आप निकालोगे, यहां पे वैल्यू पुट करके देख सकते हो आप, दो के लिए सत्य है, मतलब सबके लिए सत्य होगा। तो श्रेणी क्रम में आप कब संयोजित करेंगे, जब आपको धारिता कम करना हो, जब आपको धारिता कम करना हो। वन, और याद रखिए जो आपको सी मिलेगा ना, जो तुल्यांकी धारिता मिलेगी वो प्रत्येक संधारित्र की धारिता से कम होगी। तो याद रखेंगे आप, जब आपको कम धारिता चाहिए होगा तब आप संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। ओके, और मान लो कि मेरे पास एन संधारित्र, एन समान धारिता वाले संधारित्र, कंडीशन लगा रहा हूं मैं, एन समान धारिता वाले, समान धारिता वाले संधारित्र। ठीक है, मान लीजिए आपके पास n समान धारिता वाले संधारित्र हैं, तो क्या हो जाएगा ये 1 by c is equal to 1 by, इसको इक्विवेलेंट लिख देता हूं मैं, 1 by c इक्विवेलेंट, तो 1 by c प्लस 1 by c प्लस 1 by c प्लस कहां तक जाएंगे, 1 by n तक जाएंगे आप, 1 by cn तक जाएंगे आप। ओके, cn तक जाएंगे, क्लियर है ये 1 by c 1 by c। देखो ये n नहीं लिखेंगे क्योंकि सबकी धारिता हमने समान बोली है। तो अगर n आपके पास संधारित्र हैं, सबकी धारिता समान है, तो कितने टाइम तक आप जाओगे, n टाइम तक जाओगे। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1 प्लस 1 2 3 4 5, कितने टाइम्स n मिल जाएगा, तो 1 बाई सी इक्विवेलेंट। या ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, काम आएंगे ये चीजें, 1 बाई 1 by c equivalent is equal to n by c, यानी कि c equivalent is equal to हो जाएगा c by n, c by n हो जाएगा, c equivalent is equal to c by n, कम हो जाएगा, obvious सी बात है। और हमने पहले ही बोला है कि जब कम करना हो तो ये करिए, श्रेणी क्रम में जोड़िए। तो देखिए जब आपके पास n संधारित्र हैं, सबकी धारिता समान है, अगर आप उनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो तुल्यांकी धारिता होगी तो सी बाई एन हो जाएगी, विभव कितना हो जाएगा, विभव वी बाई एन हो जाएगा। ठीक है, विभव क्या हो जाएगा बच्चा, विभव वी बाई एन हो जाएगा। क्लियर यहां पर। और एक चीज और यहां पर आप नोट करिए, एक चीज आप और यहां से नोट कर सकते हैं, देखिए कहां पर, यहां पर देखिए क्यू इज इक्वल टू सी वन वी वन सी टू वी टू सी थ्री वी थ्री। इसी को मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, हमने क्या बोला है, ये स्पेशल केस है ना बच्चा, ये स्पेशल केस तब के लिए है जब आप n समान धारिता वाले संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो तुल्यांकी धारिता c by n हो जाती है, और विभव कितना हो जाएगा, विभव v by n हो जाएगा, c by n v by n। और एक चीज यहां पर, जब आप श्रेणी क्रम की बात करते हैं तो आपने देखा है कि q is equal to c1 v1 plus c2 v2, और वैसे ही आप आगे जाएंगे तो यहां से आपको क्या दिख जाता है कि v1 is equal to हो जाएगा, या फिर c1 is equal to हो जाएगा q upon v1, c2 हो जाएगा q upon v2, यानी कि c जो है
वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, v के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। c जो है वो v के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, सैंडिग्राम में ऐसा हो रहा है। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको सैंडिग्राम को लेकर सारी जो डाउट है वो क्लियर हो गई होंगी और सैंडिग्राम का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर भी एक बार रिवाइज कर रहा हूं। देखिए, पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र और आगे जा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है। मान लिया विभवांतर V1 है, विभवांतर V2 है, विभवांतर V3 है, बैटरी लगा दिया है। अब देखिए, पहला संधारित्र का दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, दूसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा है। यही प्रक्रिया आगे तक चलती है। और जब आप सैंडिग्राम की बात करते हैं तो सैंडिग्राम में सभी संधारित्रों में आवेश की मात्रा समान होती है, कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू। विभवांतर अलग अलग होगा और सैंडिग्राम के लिए तुल्यांकी, सैंडिग्राम के लिए तुल्यांकी धारिता का फॉर्मूला क्या बच्चा, सैंडिग्राम के तुल्यांकी धारिता का फॉर्मूला ये हो गया, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। और यहाँ पे कुछ स्पेशल केस, धारिता का मान कम होगा जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो धारिता घट जाएगी कि धारिता कम हो जाएगी। और ये n के लिए है, n समान धारिता वाले संधारित्रों के लिए है, ये दो संधारित्र के लिए है। चले आगे बढ़े और अब आ जाते हैं हम लोग समांतर क्रम में। बच्चा ये समांतर क्रम में, समांतर क्रम जिसको आप पार्श्व क्रम भी कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन उसको बोलते हैं हम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब देखिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अब आप देखिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे करना है। चलिए मान लिया कि ये पहला संधारित्र है, ओके, तो छोटा छोटा बनाना पड़ेगा मेरे को। चलिए मान लिया कि ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है और ये तीसरा संधारित्र है। पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र, क्या करना है आपको, आपको पहले संधारित्र की पहली प्लेट को, दूसरे संधारित्र की भी पहली प्लेट को और तीसरे संधारित्र की भी पहली प्लेट को किसी एक बिंदु से जोड़ देना है। ये हो गया। और बाकी जो दूसरे प्लेट हैं उनको दूसरे बिंदु से जोड़ देना है, देखिए ऐसे। और उसके बाद क्या करना है आपको, इन दोनों बिंदुओं के लिए एक बैटरी लगा दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई समस्या नहीं है, इधर ज़्यादा निकल गया उधर, उसे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, वो ड्राइंग का डिफॉल्ट है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिएगा आप कि मान लो यहाँ पे आवेश क्यू आ रहा होगा, यहाँ तक तो कैपिटल क्यू आवेश आ रहा होगा। अब यहाँ से रास्ते बंट गए हैं, विसर्जने का वक्त आ गया है, यहाँ पे रास्ते बंट गए हैं, तो कुछ लोग इधर चले जाएंगे, कुछ लोग इधर चले जाएंगे, कुछ लोग इधर चले जाएंगे, और लोगों से मेरा आशय यहाँ पर आवेश से है। तो मान लिया कि इधर को गया Q1 आवेश, इधर को गया Q2 आवेश, इधर को गया Q3 आवेश। और एक चीज़ और जो पहले ही आपको मान लेनी चाहिए, क्या मान लेनी चाहिए आपको, मान लेते हैं इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है। और अब आप देखिए, अगर ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ का विभव V+ है, यहाँ का विभव V0 है, तो यहाँ का विभवांतर V+ - 0 यानी V आ जाएगा कैपिटल V। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, इन दोनों टर्मिनल के बीच का विभवांतर कितना होगा, कैपिटल V ही होगा। यानी कि ये जो पहला संधारित्र है, दूसरा संधारित्र है और तीसरा संधारित्र है, इन तीनों संधारित्रों के दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर भी कितना होगा, कैपिटल V होगा। यानी यहाँ पर विभवांतर क्या रहता है बच्चा, विभवांतर समान रहता है, आवेश अलग अलग होता है। ये याद रखना है, ये याद रखना है। श्रेणी क्रम में आवेश सभी संधारित्रों पर समान रहता है, विभवांतर अलग अलग होता है, लेकिन समांतर क्रम में सभी संधारित्रों के दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर समान होता है। यहाँ का विभवांतर V है, यहाँ का विभवांतर भी V है, यहाँ का विभवांतर भी V होगा, भी कैपिटल V होगा, लेकिन आवेश अलग अलग है। यहाँ पर Q1 आवेश, यहाँ पर Q2 आवेश, यहाँ पर Q3 आवेश, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं कि ये प्लस 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 है, प्लस 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 है, और ये माइनस 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 माइनस, ठीक है।
तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे जो Q है टोटल आवेश वो बढ़ गया है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 भागों में, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। तो चलिए अब इसको थोड़ा हल करते हैं। ये हो गया पहला संधारित्र, ये हो गया दूसरा संधारित्र, ये हो गया तीसरा संधारित्र, और ऐसे जोड़ लेना है आपको, ठीक है बच्चा। और ये रहा बैटरी, और मान लेते हैं कि इन तीनों को हटाकर, इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है, इन तीनों को हटाकर मुझे क्या करना है बच्चा, एक संधारित्र लगाना है। इन तीनों को हटाकर मुझे एक संधारित्र लगाना है, ये लगा दिया, ठीक है। तो मान लिया इसका जो धारिता है वो कैपिटल सी है, तो कैपिटल सी क्या कहलाएगा, इन तीनों संधारित्र की धारिताओं का तुल्यांकी धारिता है। आपको एक ऐसा संधारित्र लगाना है इन तीनों को हटाकर जो इन तीनों के बराबर काम करे, ओके। कोई दिक्कत यहां पर, तो देख लो यहां पर सभी संधारित्रों के प्लेटों के बीच का विभवांतर समान है, ये तो आपको मालूम चल ही गया है कि विभवांतर कितना है, वी है। तो ये जो संधारित्र आप लगाएंगे, यहां का विभवांतर भी कितना रहेगा, यहां का विभवांतर भी कैपिटल वी ही रहेगा, लगाना तो आपको यही है ना, लगाना भी यही है। जो विभवांतर इस बैटरी के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच रहेगा, वही विभवांतर इन तीनों संधारित्रों के बीच रहेगा। और जब आप इन तीनों को हटा लेंगे और किसी एक संधारित्र को लगाएंगे, तो उसके प्लेटों के बीच का विभवांतर भी कैपिटल वी ही रहेगा, विभवांतर उतना ही रहेगा। आवेश कितना आ जाएगा, यहां पर तो आवेश कैपिटल क्यू आ रहा था और तीन भागों में बढ़ जा रहा था, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, लेकिन पूरा का पूरा क्यू आवेश यहां पर किसको मिलेगा, इसको मिलेगा, क्लियर है ये। और अब आपको मालूम है, और अब आपको मालूम है कि क्यू किसके इक्वल है बच्चा, क्यू जो है वो क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री है। यहां पर क्यू वन की वैल्यू निकाल लीजिए आप, क्यू वन कैसे निकाल सकते हैं, क्यू वन इक्वल टू सी वन वी, क्यू वन इज इक्वल टू सी वन वी, वी कॉमन है भाई, वी सबका सेम है। क्यू टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू टू इक्वल टू आ जाएगा सी टू वी, क्यू थ्री इक्वल टू आ जाएगा सी थ्री वी। और अगर इसकी बात करें, तुल्यांकी की बात करें, तो यहाँ पे क्यू इक्वल टू आ जाएगा सी इन टू वी। सभी मानों को वहाँ पे उठा के रख दीजिए फटाक से, तो ये हो जाएगा सी इन टू वी क्यू, ये हो जाएगा सी वन वी प्लस सी टू वी प्लस सी थ्री वी। और अब वक्त आ गया है काटने का, वी 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 वी, तो बचा क्या आपके पास, आपके पास बच गया C इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, सी इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, कोई दिक्कत। यह है तुल्यांकी धारिता, तो तुल्यांकी धारिता यहां पर देखिए क्या होगा, तुल्यांकी धारिता आपको उन सभी संधारित्रों की धारिताओं को जोड़ने पर मिलेगा, यानी यहां पे धारिता क्या होगी, यहां पे धारिता बढ़ जाती है। तो जब आपको धारिता बढ़ाना है तो समानता क्रम में करेंगे, जब धारिता घटाना है तो श्रेणी क्रम में करेंगे। एक बार मेरे साथ बोलिए ताकि आपको याद हो जाए, जब धारिता घटाना है तो श्रेणी क्रम में, जब धारिता कहां गया, जब धारिता घटाना है कम करना है तो श्रेणी क्रम में, और जब धारिता बढ़ाना है तो समानांतर क्रम में करेंगे, ओके। और क्या क्या चीजें आपको अब याद रखनी है, तो आज एक बार समरी नोट कर लीजिए आप, फिर हम लोग आंकिक प्रश्न हल करेंगे। आज हम लोग बहुत ही बेसिक्स सा क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही आसान आसान, अब धीरे धीरे करके हम ऊपर जाएंगे, आसान आसान गलते गलते हम कठिन की ओर आगे बढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी हम लोग संधारित्रों के संयोजन की ही बात करेंगे, लेकिन वहाँ पे हम एडवांस्ड लेवल पे बात करेंगे, वहाँ बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट्स लेंगे, वहाँ पर हम थोड़ा सा कठिन प्रश्न हल करेंगे, ओके। तो देखिए क्या क्या चीज़ें याद करनी है भाई, अगर मैं बात करता हूँ श्रेणी क्रम की, प्रतिरोध नहीं ना, प्रतिरोध हो चुका है, अब उसको चैप्टर थ्री में पढ़ना, श्रेणी क्रम की और एक समानता क्रम की। तो श्रेणी क्रम का मतलब क्या होगा, श्रेणी क्रम का मतलब पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र, ये तीसरा संधारित्र। अगर जानने का रास्ता एक ही है तो श्रेणी क्रम है, और अगर रास्ते में बंटवारा हो जाता है, अलग अलग रास्ते होते हैं,
तो क्या हो जाएगा वो, अगर अलग अलग रास्ते हैं तो फिर वो समांतर क्रम हो जाएगा। श्रेणी क्रम के लिए टूलांग की राइटा क्या होती है, 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। समांतर के लिए क्या होगा, समांतर के लिए हो जाएगा c = c1 + c2 + c3 हो जाएगा। यहां पे ढाईटा कम हो जाएगा, तुल्यांक की ढाईटा कम हो जाएगा, यहां पे तुल्यांक की ढाईटा बढ़ जाएगा। क्या क्या चीजें हैं और याद रखिए, यहां पर आवेश क्या होता है, सभी संधारित्रों में आवेश समान रहेगा। विभवांतर क्या रहेगा बच्चा, विभवांतर अलग रहेगा, यहां पे उल्टा होता है, यहां पे आवेश अलग होता है, आवेश अलग रहेगा। और सभी संधारित्रों के लिए विभवांतर क्या रहेगा, समान रहेगा। ओके, तो अब आप तैयार हैं आंकिक प्रश्न हल करने के लिए। चलो आज मान लेते हैं कि आप कितना तैयार हैं, आपकी अग्नि परीक्षा होने वाली है, तो आप जरा सीट बेल्ट बांध लीजिए, मस्तिष्क तो थोड़ा सा शांत कर लीजिए और चलिए मेरे साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हल करते हैं। तो आज तो हम लोग बहुत ही बेसिक, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, बहुत ही आसान आसान सा क्वेश्चन हल करेंगे, लेकिन ये आसान भी शायद आपको कठिन लग सकता है, क्योंकि स्टार्ट है ना, तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं। धीरे धीरे आप करते जाएंगे, आपको आदत पड़ जाएगी, फिर तो आप मन में ही हल कर लेंगे। तो करना क्या है आपको, ए और बी के बीच का तुल्यांकी ढाईटा निकालना है, यानी कि इन सबको हटा के मेरे को एक संधारित्र रखना है, उसकी ढाईटा कितनी होनी चाहिए बताइए। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये और ये किसमें है बच्चा, देख लो, ये जो 2 माइक्रोफैरड है, ये जो 2 माइक्रोफैरड है, यहां से आप आए, रास्ते बढ़ गए हैं, एक रास्ता इधर और एक रास्ता इधर। तो जहां पे रास्तों का बंटवारा हो जाता है वो समांतर क्रम में होता है, और समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या है, समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 + 2 = 4 हो जाएगा। समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 + 2, बस जोड़ देना है। तो ये तो वहीं का वहीं है, अभी ये दोनों जुड़ के कितना हो गया बताइए, और ये भी वहीं का वहीं है, ये बी भी अपने जगह पे ही है, ए भी अपने जगह पे ही है, ये 2 माइक्रोफैरड है तो है, ये 2 माइक्रोफैरड है तो है। अभी हमने केवल इसको हल किया है, अभी हमने केवल इन दोनों को हल किया है। ये दोनों किस में है, ये दोनों समांतर क्रम में है, 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 माइक्रोफैरड हो जाएगा। और अब देखिए, ए से बी तक पहुंचना है आपको, एक ही रास्ता है, यानी कि ये तीनों किस में हो गए, ये तीनों श्रेणी क्रम में हो गए। तो अब आप निकाल लीजिए क्या, अब आप निकाल लीजिए क्या, निकाल लो अब आप तुल्यांकी ढाईटा निकाल लीजिए, 1/c = 1/2 + 1/4 + 1/2। इतना आसान होता है यार। चलिए 1/c = कितना आ जाएगा एलसीएम, 2 + 1 = 2 × 4, फिर 2 × 4 = 4, 4 ही आएगा एलसीएम, एलसीएम 4 ही आएगा ना, नहीं आता है तो निकाल के देख लो, अगर तुम्हारे पर डाउट है तो निकाल के देख लो, ऐसे होता है, 2 + 1 = 2 × 2 = 1 तो पहले से ही है, 2 × 4 आ जाएगा एलसीएम। देखो, जहाँ भी आपको डाउट लगे ना, आप उस डाउट को क्लियर करने से कभी भी पीछे मत हटिए, क्योंकि एक बार डाउट रह गया, चलो ठीक है यार ऐसा होता होगा, वो डाउट हमेशा रहेगा आपके मन में, वो डाउट नहीं आना चाहिए कभी भी आपके माइंड में, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो एलसीएम 4 आ गया, 2 × 4 = 4, 4 + 4 = 2 × 4, तो 2 × 2 = 4 हो गया, और 4 × 1 = 5 हो गया, तो 1/c = आ गया 5/4। बच्चे यही आंसर लिख देते हैं, मैक्सिमम बच्चे यहाँ गलती करते हैं, अरे भाई ये 1/c का आंसर है, आपको c चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, 4/5 करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे क्या, माइक्रोफैरड है, तो आंसर किस में आएगा, माइक्रोफैरड में आएगा। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तब तो, और आप ध्यान तब रख पाएंगे जब आप ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अच्छा इसको हल करिए, आपको यहाँ भी वही करना है, आपको यहाँ भी ए और बी के बीच का तुल्यांकी प्रतिरोध नहीं ढाईटा निकालना है, ठीक है। तो देख लो ना यार, ए से बी तक जा सकता हूँ, एक रास्ता है, ठीक है, लेकिन ए से ही रास्ता बट गया, एक रास्ता इधर और एक रास्ता इधर को, तो इधर से जाएंगे तो एक से बी पहुँच जाएगा, एक ही पड़ेगा, इधर से निकलेंगे तो इस 2 माइक्रोफैरड से होते हुए आप पहुँच जाएंगे बी पर, लेकिन अगर आप इस वाले रास्ते से होकर जाएंगे तो आपको ये मिलेगा,
आपको ये मिलेगा और आपको ये भी मिलेगा, ये तीनों के तीनों एक ही रास्ते में हैं। ए से बी पे जब आप पहुंचेंगे इस रास्ते से, तो ये तीनों के तीनों एक ही रास्ते में मिलेंगे। यानी ये तीनों किस में हैं? ये तीनों हैं श्रेणी क्रम में। तो चलो मैं पहले निकाल लेता हूँ 1/C-, इन तीनों का तुल्यांक निकाल लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा 1/2 + 1/2 + 1/2। सो 1/C- कितना आ जाएगा? 2 2 2 2 2, 1 1 1 1 3 आ जाएगा। तो C- कितना आ गया बच्चा? C- आ जाएगा, देख लो यहीं लिख देते हैं, C- इज इक्वल टू, उल्टा करने के बाद 2/3 माइक्रोफेरेड आएगा। और अब ये सर्किट कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा? अब ये सर्किट सरल होकर कैसे बन गया? ऐसे बच गया बस। ये है ए, बी कितना है? ये 2 माइक्रोफेरेड। ये कितना है? ये 2/3 माइक्रोफेरेड है। और अब ये दोनों किस में है? देख लो, अब ये दोनों किस में है? ये दोनों समांतर क्रम में है, एक रास्ता इधर को एक रास्ता इधर को। इसका पहला प्लेट यहाँ से जुड़ा है, इसका दूसरा प्लेट यहाँ से जुड़ा है। ये दोनों किस में आ जाएगा? ये दोनों समांतर क्रम में आ जाएगा। और समांतर क्रम के लिए क्या करना? जोड़ देना बस, 2 + 2/3, 3 × 6 = 8। तो C इक्वल टू आ गया 8/3 माइक्रोफेरेड। ठीक है, C इक्वल टू आ गया 8/3 माइक्रोफेरेड। चलिए देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ए यहाँ भी आपको वही करना है, ए और बी के बीच का तुल्यांक ढाईडा निकालना है। देखिए, जब भी आपको कंफ्यूजन हो, अब आपका दिमाग थोड़ा सा चकरा गया होगा कि अरे यार ये किस में है, लग तो रहा है कि तीनों एक ही रेखा में हैं, तो तीनों श्रेणी क्रम में होंगे, ऐसा नहीं है। चलिए समझते हैं कि आपको करना क्या है। आपको अपने दिमाग में एक थोड़ा सा एक तस्वीर बनानी है, एक तस्वीर उभारनी है। आप मान लीजिए कि ये जो टर्मिनल है, ये बैटरी, ये आप मान रहे हो, आप मान लीजिए कि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, और ये वाला टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। और अब आपको मालूम है, मान लिया इसका विभव V+ है, इसका विभव 0 है, विभव अंडर V-0 यानी कि 0 हो जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ से लेके जब आप यहाँ तक आएंगे, रास्ते में कुछ नहीं है, कोई नदियाँ नहीं है, कोई तालाब नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई ब्रिज नहीं है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का विभव समान ही है, यानी इसका विभव भी V+ ही रहेगा। और यहाँ से आएंगे तो इसका विभव भी V+ ही रहेगा। और यहाँ से जब यहाँ तक जा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका विभव भी कितना रहेगा? V+ ही रहेगा। अगर बीच में कोई ब्रिज नहीं है, कहीं रोड खराब नहीं है, ये रोड खराब है ना, ये प्रतिरोध है, तो क्या होगा? जो प्रतिरोध, जो विभव रहेगा वो समान ही रहेगा। तो जो विभव यहाँ का था वही विभव यहाँ का भी है, वही विभव यहाँ का भी है, और क्योंकि यहाँ से ये जुड़ा हुआ है तो यही विभव यहाँ का भी है। और वही चीज़ आप इधर के लिए भी देख लीजिए, अगर ये 0 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका विभव भी 0 हो गया, ये विभव 0 हो गया, और ये 0 0 0 0 इसका विभव भी 0 हो गया। ठीक है, और अब आप देखिए कि आपके जो संधारित्र हैं वो किसके किसके बीच हैं? V0 यानी इन दोनों के बीच का विभवांतर कितना हो गया? V-0 यानी कि V हो गया। यहाँ का विभवांतर भी कितना हो गया? V-0 यानी कि V हो गया। यहाँ का विभवांतर भी कितना हो गया? V-0 यानी कि V हो गया। यार आपके तीनों संधारित्र हैं, तीनों संधारित्रों के दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना निकला? V-0 V, V-0 V, V-0 V, यानी कि मेरे तीनों संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना है? समान है। और समान विभवांतर किस में होता है बच्चा? समान विभवांतर किस में होता है बताइए जरा, समान विभवांतर किस में होता है बताइए? समान विभवांतर होता है समांतर क्रम में, समान विभव होता है समांतर क्रम में। अब आप थोड़ा सा दूसरे एंगल से सोचिए, सोचिए दूसरे एंगल से, ये गुलाबी पर नजर डालिए। देखिए, यह पहला प्लेट ए से जुड़ा हुआ है, इस वाले का पहला प्लेट भी ए से जुड़ा हुआ है, इस वाले का पहला प्लेट भी आके ए से ही जुड़ रहा है। तो आपके तीनों संधारित्रों का पहला प्लेट, अब इसको आप पहले ही मानोगे क्योंकि आप इधर से जा रहे हो ना,
तो इन आपके तीनों झंडाइटों का पहला प्लेट इस ए से जुड़ा है, और अब जरा ध्यान दीजिए दूसरे पर, इस नीले रंग पे ध्यान दीजिए, ये दूसरा प्लेट, ये दूसरा प्लेट और ये दूसरा प्लेट, नीले पे ध्यान दीजिए, ये बेसिनरी जुड़ा है। यही तो परिभाषा है ना, कि अगर पहला प्लेट पहले बिंदु से और दूसरा प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़ा हो तो समांतर क्रम होता है। ये किसमें है? ये समांतर क्रम में है, बस कहानी खत्म। ठीक है, ये कितना है? ये 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड। और क्योंकि समांतर क्रम में है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि सी इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड। तो अगर ज्ञान हो तो क्या कुछ नहीं कर सकते, अगर नॉलेज हो तो क्या कुछ नहीं कर सकते। अगली बार से अगर आपको कॉम्प्लेक्स सर्किट दिखे तो आप जरा इस पर जरूर विचार करिएगा कि विभव यहां से इसका विभव समान है, इसका विभव भी उतना ही 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 है। तो आपको पता चल जाता है कि इस वाले संडाइटर के सिरों का विभवांतर, इस वाले संडाइटर के सिरों का विभवांतर और इस वाले संडाइटर के सिरों का विभवांतर उतना ही है। और अगर विभवांतर उतना ही है, अगर विभवांतर समान है, अगर विभवांतर समान है तो दोनों तीनों या जितने भी होंगे किसमें हो जाएंगे? समांतर क्रम में हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, इसको हल करते हैं। यहाँ तो लिखा ही नहीं है, यहाँ तो लिखा ही नहीं है कि कौन कितने का है। चलिए इसको देखते हैं बाद में, पहले इसको सॉल्व करते हैं आगे जो है। चलिए इसको देखिए क्या करना है, इसको देखिए जरा ध्यान से। यहां पर भी आपको क्या करना है? ए और बी के बीच का तुल्यांकी ढाईटा निकालना है। तो देखो बहुत आसान है बच्चा, आप ए से चले कहाँ के लिए? बी के लिए, आपकी मंजिल बी है, लेकिन आपका रास्ता बढ़ गया, एक इधर और एक इधर बढ़ गया। ठीक है, और अब देखिए ये जो आपका पहला प्लेट, ए सनराइट का पहला प्लेट, ए सनराइट का पहला प्लेट, क्या वो एक बिंदु से नहीं जुड़े हैं? देखिए क्या वो एक बिंदु से नहीं जुड़े हैं, देख लो। क्योंकि यहां से जब आप अभी इसको मत निकालो ना, आप इसको ये मान लो, सवाल ने बस आपको गुमराह करने के लिए दिया है कि आप गुमराह हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन आप ध्यान दो ना। येलो वाला लाइन देखिए आप, पहला प्लेट पहला प्लेट पहला प्लेट, ठीक है, ए से जुड़ा है। अब आप नीले वाले पे ध्यान दीजिए, सेकेंड प्लेट सेकेंड प्लेट सेकेंड प्लेट, क्या ये बीच से जुड़ा है? तो ये तीनों किस में हो गए? ये तीनों समांतर क्रम में हो गए, और अगर समांतर क्रम में है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 प्लस 3 प्लस 3, यानी कि 9 माइक्रोफैरेड। आपको बहुत आसान लग रहा होगा ना बनाने के बाद, पहले कठिन लगता है, अरे यार बाद में लगता है इतना आसान था। तो आज हम लोग आसान आसान ही सवाल ले रहे हैं ताकि आपको आइडिया होता जाए कि कब श्रेणी में होता है, कब समांतर में होता है। आपको देख के ही पहचान लेना है, आपको देख के ही आइडिया हो जाना चाहिए कि हाँ भाई ये समांतर में, ये श्रेणी में है। तो अभी ये तीनों किस में है? अभी ये तीनों समांतर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। चलिए इसको देखते हैं, चलिए इसको देखते हैं क्या करना है। इसको धीरे धीरे हम थोड़ा सा मुश्किल की तरफ बढ़ेंगे। देखो कोई मुश्किल ऐसा है नहीं, बहुत आसान है ये भी, देख लो आप कैसे आसान है। आपको ए और बी के बीच का तुल्यांकी ढाईटा निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है आपको। आप ए से चले, रास्ता बढ़ गया, यहाँ पर रास्ता बढ़ गया बच्चा, आप आ रहे हो, फिर 8 पड़ा बीच में, रास्ता फिर बढ़ गया, और ये रास्ते फिर यहाँ से आते हुए, यहां से आते हुए ये रास्ते यहां मिल जाते हैं। तो देख लो ये दोनों किस में हो जाएंगे? 4 और 4 किस में हो गया? 4 और 4 समांतर क्रम में हो गया, दिख रहा है आपको? पहला प्लेट सेकेंड प्लेट, पहला प्लेट और सेकेंड प्लेट, पहला प्लेट यहां से जुड़ा है, दूसरा प्लेट यहां से जुड़ा है, ये दोनों किस में हो गए? ये दोनों हो गए समांतर क्रम में। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा सरल करता हूं परिपथ को, ये रहा ये 8 वहीं का वहीं है। अब ये देखिए 4 और 4 कितना हो जाएगा? क्योंकि समांतर क्रम में है तो 4 और 4 8 हो जाएगा। ये 8 माइक्रोफैरेड पहले से है, और ये 8 माइक्रोफैरेड क्या कैसे आया है? इन दोनों का है, 4 प्लस 4 8 माइक्रोफैरेड। अब ये कहानी कहाँ तक जाएगी? बी तक जाएगी। अब इस वाले रास्ते पे ध्यान दीजिए, इस वाले रास्ते पे भी जब इसको पार कर लेते हैं तो इस वाले मोड़ पर रास्ते बढ़ जाते हैं, कुछ रास्ता इधर एक रास्ता इधर। तो आप ये मान लीजिए कि पहला प्लेट यहाँ से जुड़ा है, इसका भी पहला प्लेट यहीं से जुड़ा है, सेकंड प्लेट यहाँ से जुड़ा है, इसका भी सेकंड प्लेट यहीं से जुड़ा है। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 2 हो जाएगा,
ये टू पहले से है बच्चा, ये टू माइक्रोफेरेड पहले से है, इन दोनों का क्या हो जाएगा, इन दोनों का हो जाएगा 1+1 टू माइक्रोफेरेड, ये है बी और ये है ए। और अब देखिए आप, बहुत ही आसान हो गया, यहां से आप चले बी के लिए रास्ते ही बंट गए हैं, ये दोनों एक ही रास्ते में है और एक ही रास्ते में है तो श्रेणी क्रम में होगा, ये दोनों एक ही रास्ते में है तो श्रेणी क्रम में होगा, रास्ता एक ही है ना, इसका दूसरा प्लेट इसका पहला प्लेट, इसका दूसरा प्लेट इसका पहला प्लेट, तो 8 और 8 किसमें हो जाएगा, 8 और 8 श्रेणी क्रम में हो जाएगा, 2 और 2 भी श्रेणी क्रम में हो जाएगा। निकाल लीजिए पहले, तो कैसे निकालेंगे आप, 1/8 + 1/8 सॉल्व कर लेता हूं मैं, क्या आ जाएगा, 2/8 आ जाएगा, उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/2 आ जाएगा, यानी 4 आ जाएगा। तो इन दोनों का तुल्यांक क्या मिलेगा, इन दोनों का तुल्यांक मिलेगा 4, ठीक है, तो ये ऐसे मिल गया आपको, ये मिल गया 4 माइक्रोफेरेड, ओके। इन दोनों का तुल्यांक कितना मिलेगा, 1/2 + 1/2, आधा प्लस आधा 1 होता है, तो ये मिल गया आपको इन दोनों का तुल्यांक ऐसा। और अब आपको ये बी पे पहुंच जाना है, ये कितना है, ये 1 माइक्रोफेरेड है, 1 माइक्रोफेरेड है ये, ठीक है। और अब देखिए ए बी, तो ये रास्ते अभी बढ़ रहे हैं, इसका पहला प्लेट इधर को, इसका पहला प्लेट इधर को, इसका दूसरा प्लेट यहां पर, दूसरा प्लेट यहां पर, यानी दोनों किसमें हैं, दोनों समांतर क्रम में है, तो 4+1 कितना हो जाएगा, 5 माइक्रोफेरेड आ जाएगा, ये हो जाएगा तुल्यांक ढाईटा, 4+1 5 माइक्रोफेरेड। चलिए आगे बढ़ें, सवाल कहाँ है, यहां पे है सवाल, सवाल में थोड़ा सा चेंजेस हैं, थोड़ा सा परिवर्तन है, आपको निकालना है चार्ज ऑन इच कैपेसिटर, जितना भी यहां पर कैपेसिटर है यानी कि जितना भी संधारित्र है, सभी संधारित्र पर आवेश की मात्रा भी निकालनी है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करना है, सर्किट देख लीजिए, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, 8 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, चलो इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम ए दे दिया, इसको नाम बी दे दिया, इसको नाम सी दे दिया। तो पहले क्यों ना हम तुल्यांकी, अच्छा तुल्यांकी ढाईटा निकालने से पहले एक बार क्लियर कर दूं, ये दोनों किसमें हैं, समांतर क्रम में दिख रहा है आपको, ये दोनों समांतर क्रम में हैं, और अगर समांतर क्रम में हैं तो क्या होगा, समांतर क्रम में होंगे तो विभवांतर समान होगा लेकिन आवेश अलग अलग होगा, याद रखिएगा आवेश अलग अलग होगा, यहां का आवेश और यहां का आवेश, अभी देखेंगे, समांतर क्रम में आवेश अलग होता है ना, आपको मालूम है समांतर क्रम में आवेश अलग होगा, विभवांतर समान रहता है। श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जितने भी संधारित्र होते हैं उनमें सब में आवेश की मात्रा समान होती है, ठीक है। तो अब देखो मैं अगली चाल चलता हूं, सवाल हल करके ही आपको सवाल समझ में आएंगे, थ्योरी में कितना भी बता लूं आपको समझ में नहीं आएगा। चलो देख लो बच्चा, ये 12 वोल्ट वहीं का वहीं है, इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है अभी फिलहाल, तो 12 वोल्ट रहने दीजिए, ये 8 माइक्रोफेरेड रहने दीजिए, 8 माइक्रोफेरेड, 4 और 4 किसमें है, 4 और 4 हो जाएगा 8, क्यों हो जाएगा 8, क्योंकि दोनों किसमें है बच्चा, दोनों समांतर क्रम में है, तो यह आ गया 8 माइक्रोफेरेड। और अब देख लो आप, अब आप देख लीजिए, ये 8 और ये 8 किसमें है, ये 8 और ये 8 है श्रेणी क्रम में, ये 8 और ये 8 है श्रेणी क्रम में, तो ये सर्किट कैसे सिक्योर कर कैसे आ गया, ये सर्किट सिक्योर कर बन गया कुछ ऐसा, ठीक है, ये है 12 वोल्ट और ये है 8+1/8+1/8 यानी कि आधा हो जाएगा, 4 माइक्रोफेरेड आ जाएगा, ठीक है। अब आपके सर्किट में, यहां से स्टार्ट करिए, आपके सर्किट में वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट, इसकी धारिता कितनी है, सी कितना है, सी है 4 माइक्रोफेरेड। अब आपको भावना मालूम है, सी इज इक्वल टू क्या होता है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, या आप ऐसा बोल लीजिए कि क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है। तो इस वाले पर कितना आ जाएगा, देखिए इस वाले पर आवेश कितना आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी, तो आवेश आ गया कितना, देखिए ये हो गया 12 वोल्ट और 12 × 2.5 = 4, 12 × 4 = 48, लेकिन माइक्रोफेरेड आएगा क्योंकि यहाँ पे जो ढाईटा वो माइक्रोफेरेड में है,
48 माइक्रोफैरेड, इस वाले सनलाइट में कितना है, 48 माइक्रोफैरेड है, ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर? अब देखो तो इस पे कितना हो जाएगा, इस पे 48 हो जाएगा, इस पे 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इस पे 48 माइक्रोफैरेड आ जाएगा, आएगा ना। और अब देखिए ये जो 8 माइक्रोफैरेड है जो इन दोनों को मिला के बना है, इस पे भी कितना होगा, इस पे भी 48 माइक्रोफैरेड ही होगा, क्योंकि दोनों किस में है बच्चा, दोनों हैं श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, आपको बताया गया है श्रेणी क्रम में आवेश समान है। 48 माइक्रोफैरेड, हम आवेश की बात कर रहे हैं, सॉरी हम आवेश की बात कर रहे हैं, तो हमको माइक्रोकुलम लिखना है, अरे हम आवेश की बात कर रहे हैं, सॉरी माइक्रोकुलम, माइक्रोकुलम आवेश की बात हो रही है, माइक्रोकुलम ये हो जाएगा माइक्रोकुलम। तो 48 माइक्रोकुलम इस पे भी है और 48 माइक्रोकुलम इस 8 माइक्रो फैरेड पे भी होगा, इस वाले सनलाइट पे भी होगा, लेकिन ये सनलाइट इन दोनों का क्या है, ये सनलाइट इन दोनों का तुल्यांकी है, तो इस 48 माइक्रोकुलम को इन दोनों में बांटना है। अब क्योंकि दोनों का धारिता समान है इसीलिए दोनों में आवेशों का बराबरी बराबरी बंटवारा होगा, तो 48 को इसके बाद तो 48 है ही है, इस वाले के बाद तो 48 माइक्रोकुलम होगा ही होगा, बाकी 48 इन दोनों पे भी होना चाहिए, तो इसके बाद 24 माइक्रोकुलम हो जाएगा, 24 माइक्रोकुलम और इसके बाद में 24 माइक्रोकुलम, क्लियर है ये, देख लो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा है भाई, आपने 4 माइक्रोफैरेड में निकाल लिया, 48 माइक्रोकुलम आया है चार्ज, ठीक है। और अब देखिए इस 4 माइक्रोफैरेड को आप 8 माइक्रोफैरेड और 8 माइक्रोफैरेड में लिख सकते हैं, इस अब मैं उल्टा प्रोसेस में जा रहा हूं, मैंने इस 4 माइक्रोफैरेड पे निकाला है चार्ज इतना है, आवेश इतना है 48 माइक्रोकुलम, जो कि इन सभी का क्या है, इन सभी का तुल्यांकी है, तो मैं 4 माइक्रोफैरेड को क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, इसको 8, इसको 8 लिख सकता हूं, 8 माइक्रोफैरेड 8 माइक्रोफैरेड, दोनों श्रेणी क्रम में है इसीलिए, दोनों श्रेणी क्रम में है इसीलिए जितना चार्ज इस पे होगा उतना चार्ज उस पे भी होगा, और आपको मालूम है कि तुल्यांकी पे भी उतना ही चार्ज होता है, श्रेणी क्रम में जब आप तुल्यांकी निकालते हैं तो तुल्यांकी पे भी उतना ही आवेश होता है, इसलिए जितना आवेश तुल्यांकी पे है उतना ही आवेश इन दोनों पे भी होगा, तो इस पे भी 48 माइक्रोकुलम, इस पे भी 48 माइक्रोकुलम, लेकिन ये तुल्यांकी किसका है, अब जरा ध्यान दीजिए, ये तुल्यांकी है किसका, इन दोनों का, यानी कि 48 माइक्रोकुलम को इन दोनों ने रखा है, इसके बाद भी कुछ होगा, इसके बाद भी कुछ होगा, क्योंकि अब दोनों की धारिता बराबर है इसलिए आवेशों का वितरण भी बराबर बराबर हुआ होगा, बोला होगा आधा तू रख ले आधा मैं रख लेता हूं, ठीक है, तो 24 इसके बाद 24 इसके पास, तो इतना सारा लॉजिक क्लियर होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने से, इसलिए तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया जाता है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं, यहां भी वही करना है बच्चा, यहां पर भी आपको वही करना है, फाइंड द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, आपको ये बताना है कि इस बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया है, आपको ये नहीं निकालना कि किसके पास कितना है, आपको बस ये बताना है कि इस बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया है, कितना बोला ले जाओ यार रख लो, कितना दान दिया है, तो चलो देख लेते हैं, आपको मालूम है आप चार्ज आराम से निकाल लोगे जब आप क्या निकाल लोगे, तुल्यांकी धारिता निकाल लोगे, और तुल्यांकी धारिता के लिए आपको पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है, आपको पहली नजर में देखने पे लगता है कि प्यार हो गया, प्यार नहीं हुआ मतलब पहली नजर में देखने लगता है कि दोनों श्रेणी क्रम में है, गलत लगता है ना यार, गलत लगता है, अक्सर जो लगता है होता नहीं है, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, मान लो इसका विभव वी प्लस है, इसका विभव वी जीरो है, तो इसका विभव कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये विभव आ रहा है तो ये प्लस जा रहा है, ये प्लस आ रहा है ना, देखो ज़्यादा ये प्लस यहाँ से प्लस पूरा प्लस 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 ये यहाँ से आता हुआ यहाँ से आता हुआ, तो इसका भी पोटेंशियल कितना हो गया, वी प्लस हो गया, और इसका भी पोटेंशियल कितना हो गया, देख लो वी प्लस हो गया, यानी कि ये पहला प्लेट वी पॉजिटिव पे है, वी पॉजिटिव मतलब इसका विभव वी प्लस है, इसका विभव भी वी प्लस है, यानी ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट दोनों एक ही बिंदु से कनेक्टेड होंगे। अच्छा उसके बाद जरा ध्यान दीजिए नीले वाले लाइन पर, ये तो जा रहा है जीरो वाला पोटेंशियल, यहाँ से भी जुड़ेगा और ये यहाँ से भी जुड़ेगा, तो समझ में क्या आ रहा है कि
ये भी जीरो पोटेंशियल, ये भी जीरो पोटेंशियल, विभव जीरो है। इस वाले प्लेट का पोटेंशियल V है, इस वाले प्लेट का पोटेंशियल जीरो है, और इसमें भी देखिए इस वाले प्लेट का पोटेंशियल V है, इस वाले प्लेट का पोटेंशियल जीरो है, V माइनस जीरो V, V माइनस जीरो V, यानी दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर समान है। और अगर विभवांतर समान है तो दोनों किस में होने चाहिए, अगर विभवांतर समान है तो दोनों समांतर क्रम में होना चाहिए, क्योंकि समांतर क्रम में ही विभवांतर समान होता है। अब ये 10 वोल्ट की बैटरी ले लो, ये 5 माइक्रोफैरड का ये है और 6 माइक्रोफैरड का ये है, 5 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड दोनों किस में हो गया, दोनों समांतर क्रम में हो गया। समांतर क्रम में क्यों हो गया, ध्यान दीजिएगा, विभवांतर समान है ना, आप दूसरे नजरिए से भी देख सकते हो, इसका पहला प्लेट यहाँ से जुड़ा है, इसका पहला प्लेट भी यहाँ से जुड़ा है, इसका दूसरा प्लेट यहाँ से जुड़ा है, इसका दूसरा प्लेट भी वहीं से जुड़ा है, तो ये क्या है, ये समांतर क्रम ही तो है। समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चे, बता भाई, चल बता, समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या है दोस्त, 6 + 5 = 11, 5 + 6 = 11, तो 5 + 6 आ जाएगा 11 माइक्रोफैरड, 11 माइक्रोफैरड। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी आ जाएगा, या Q इज इक्वल टू सी इंटू वी हो जाएगा। C कितना है, C 11 माइक्रोफैरड है, माइक्रोफैरड है, इसमें किसको इंटू करना है, इसमें V को इंटू करना है 10 वोल्ट को, ठीक है, 10 इंटू 11 तो ये आ गया 110, 10 इंटू 110, और ये माइक्रोफैरड नहीं माइक्रो कूलम होगा ना भाई, Q इज इक्वल टू आ गया 110 माइक्रो कूलम, आवेश की बात हो रही है ना, माइक्रो इसलिए माइक्रो यूज किया है। चलिए आगे देखते हैं, अच्छा ये तो यहां भी देखो क्या करना है आपको, चार्ज ऑन इच कैपेसिटर, यहां भी आपको क्या करना है बच्चा, यहां भी आपको हर कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है, हर कैपेसिटर पे चार्ज आप कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, पूरा प्रोसेस वही रहेगा। और ये हमारा आज का आखिरी सवाल है, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक करिए, और मैं तो चाहता हूँ आप वीडियो पॉज करके खुद से ही करने की कोशिश करिए, अगर नहीं होता तो आप वीडियो में कंटिन्यू करिए, आगे बढ़िए, तब आप मेरे सहारे आइए, लेकिन पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसा सवाल अभी तो आपने सॉल्व किया था ना। चलो देखते हैं कैसे करना है, मैं मानता हूँ कि आपने वीडियो पॉज कर दिया है और आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी अपने से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये नेगेटिव है, ओके पॉजिटिव है, ये वी प्लस ले लो, इसको जीरो ले लो, ये जीरो आ जाएगा, ये जीरो जा रहा है ऐसा, ये जीरो जा रहा है ऐसा, तो ये वाला प्लेट जीरो पोटेंशियल पे है, ठीक है, ये पोटेंशियल की यहाँ पे देखो ये वी प्लस पे है, ओके, और ये देख लीजिए, अच्छा ये देख लो, क्लियर, ये देखिए ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, देखो ये जीरो पे है, ये जीरो पे है, ओके तो इस वाले संधारित्र का एक टर्मिनल इस जीरो से जुड़ा है, नेगेटिव से जुड़ा है, इस वाले संधारित्र का भी एक प्लेट जो है इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल यानी जीरो से जुड़ा है, तो इन दोनों का एक एक प्लेट जीरो से जुड़ा है, और दूसरा प्लेट देखिए, दूसरा प्लेट जाके किससे जुड़ेगा, पॉजिटिव से जुड़ेगा, दूसरा प्लेट किससे जुड़ेगा, जाके पॉजिटिव से जुड़ेगा, लेकिन दोनों को किससे होकर गुजरना पड़ेगा, इस 20 माइक्रोफैरड से होकर गुजरना पड़ेगा। तो जरा देखते हैं इसका तुल्यांकी कैसे बनेगा, मान लो ये पहला हो गया नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से निकलेंगे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 20 माइक्रोफैरड वाला एक संधारित्र, ठीक है, उसके बाद देखो ये 8 माइक्रोफैरड वाला किससे जुड़ा है, इसका एक टर्मिनल जुड़ा है नेगेटिव से, इस वाले 8 का भी जुड़ा है नेगेटिव से, देख लो ना, ठीक है ना, देखो जरा देखो देखो यही तो चीज समझने वाली है, इसका 8 माइक्रोफैरड का जीरो जाके, जीरो मतलब जो कम पोटेंशियल है वो जाके इस नेगेटिव से जुड़ा, तो चलो ये हो गया, ये 8 माइक्रोफैरड का एक टर्मिनल आके किसे जुड़ गया, आके इस नेगेटिव से जुड़ गया। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला जो 8 माइक्रोफैरड है इसका भी आके एक टर्मिनल किसे जुड़ेगा, इस नेगेटिव से जुड़ेगा, और इन दोनों ही संधारित्रों का जो सेकेंड टर्मिनल है किससे जाके जुड़ना है, वो जाके इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ना है, लेकिन किससे होके जाएगा, 20 माइक्रोफैरड से होकर जाएगा, 20 माइक्रोफैरड से होकर जाएगा। तो अब चीज़ें क्लियर हैं आपके पास,
आपने सर्किट को सिंप्लीफाई कर लिया है, आपने सर्किट का सरलीकरण कर लिया है। तो अब ये दोनों देखिए किस में है, अब ये दोनों आपको दिख रहे हैं कि दोनों समांतर क्रम में है। और उसके बाद इन दोनों का पहले निकाल लीजिए आप, इन दोनों का निकालेंगे कितना आएगा, इन दोनों का क्या निकालना है, तुल्यांक ही निकालना है। तो कैसे बनेगा ये, ये 10 तो 10 ही है, ये वहीं का वहीं है, ये ऐसे आया। 8 और 8 कितना हो गया, 16 हो गया, दिस विल बी 16 माइक्रोफेरेड, 16 माइक्रोफेरेड आ गया ये, और ये 20 माइक्रोफेरेड है, और ये 10 वोल्ट की बैटरी है। अब ये दोनों किस में है, बिल्कुल भी समानता नहीं बोलना, समानता नहीं बोलना। क्यों, क्योंकि देखिए ये आया एक ही रास्ते में है ना, सब ये सभी क्या हैं, एक ही रास्ते में हैं। और ये सनलाइट नहीं है, ये बैटरी है, ये बैटरी है भाई। तो ये 20 और ये 16 किस में हो गए, 20 और 16 हो गए श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे अगर मैं 1/6 निकाल लूँ तो 1/16 प्लस 1/20 आ जाएगा। क्लियर है ये, एलसीएम निकाल लीजिए, 16 और 20 का एलसीएम कितना आएगा देख लो, 4 से जाएगा, 4 × 16 5 × 20 4 × 4 और फिर आ जाएगा 5 × 5 5 × 20 और 20 × 80 तो 1/6 इज इक्वल टू आ गया 80, 16 × 5 = 80, 20 × 4 = 80 5 × 9 तो C इज इक्वल टू आ गया 80/9 और क्योंकि माइक्रो में है तो सब माइक्रोफेरेड आ जाएगा। C इज इक्वल टू आ गया 80/9 माइक्रोफेरेड। इस परिपथ का जो तुल्यांकी धारिता है कितना है, 80/9 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको तो निकालना है चार्ज ऑन इच कैपेसिटर। निकाल लेते हैं ना, पहले आप निकाल लीजिए इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आप सर्किट कैसी रहेगी, दोनों को सॉल्व करने के बाद आपके सर्किट कुछ ऐसी बचेगी, ऐसा बचा। ये है 10 वोल्ट और ये है, ये कितने का हो गया, इन दोनों का जब आप तुल्यांकी निकालेंगे तो 80/9 इसकी जरूरत नहीं है, ये 80/9 माइक्रोफेरेड आ गया ना, 80/9 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ का चार्ज निकाल लीजिए पहले कि इस वाले संधारित्र पे चार्ज कितना होगा, फॉर्मूला क्या है चार्ज का, C इज इक्वल टू क्यू डैट क्यू का फॉर्मूला लगाओ यार, Q इज इक्वल टू C इंटू V, थाइटा कितनी है 80/9 और विभवांतर कितना होगा, जो विभवांतर ये दे रहा है 10 वोल्ट ओके। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये 800/9 आ गया। अब ये क्या आ जाएगा, ये माइक्रो कूलम आ जाएगा, ठीक है, 800/9 माइक्रो कूलम। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, चाहे तो पॉइंट बना सकते हैं, देखो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 9/72 फिर 80 फिर 9/72 उसके बाद 88.9 माइक्रो कूलम के आसपास आपको मिल जाएगा ये। तो ये हो गया चार्ज। और अब देखिए ये चार्ज कहाँ पर है, ये चार्ज किस पर है, किस संधारित्र पर है बच्चा, ये चार्ज ये आपकी बैटरी है, ये आपका तुल्यांकी धारिता है। तुल्यांकी धारिता कितना है देख लीजिए, तुल्यांकी धारिता कितना आया है, तुल्यांकी धारिता है 80/9 माइक्रोफेरेड, 80/9 माइक्रोफेरेड। तो ये जो चार्ज है 88.9 माइक्रो कूलम, ये किस पे है, ये 80/9 माइक्रो फेरेड वाले तुल्यांकी संधारित्र पे है। ये 10 वोल्ट इसका रोल खत्म हो गया है, इसका कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए ये 80/9 किसका तुल्यांकी है, ये 80/9 इस 20 और 16 का, ये 80/9 किसका है, ये 80/9, ये 80/9 20 है ना, 80/9 20 और 16 का, 20 माइक्रोफेरेड और 16 माइक्रोफेरेड का तुल्यांकी है। देखो अब ये दोनों किस में है, ये दोनों हैं श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में आपको पता है कि संधारित्रों पर आवेश की मात्रा समान होती है और इनका जो तुल्यांकी आता है उस पर भी उतना ही आवेश होता है, यानी जितना आवेश इस पे है उतना आवेश इस पे भी होगा। अच्छा ये आवेश नहीं है, आवेश तो है 88.9, तो इस पे भी 88.9 माइक्रो कूलम है, इस पे भी 88.9 माइक्रो कूलम है। लेकिन अब आपको मालूम है ना, क्या मालूम है आपको, कि ये जो 88.9 माइक्रो कूलम चार्ज है
ये 16 माइक्रोफैरड पे है, लेकिन 16 माइक्रोफैरड वहां पे अकेला नहीं है, 16 माइक्रोफैरड वहां पे अकेला नहीं है, 16 माइक्रोफैरड किसे मिलके बना है जरा ध्यान दीजिएगा। अब ये सर्किट कुछ ऐसा है, देखो मैं उल्टा जा रहा हूँ अब, ठीक है, ये है 8 माइक्रोफैरड और ये भी है 8 माइक्रोफैरड ऐसा है, ठीक है, और ये तो आपका 10 वोल्ट है, रहने दीजिए अपने को, आप उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देख लीजिए, इसके ऊपर चार्ज आ गया 88.9 माइक्रो कूलम, 88.9 माइक्रो कूलम, और ये जो 16 माइक्रो फैरड है जो कि इस वाले और इस वाले का तुल्यांकी है, इन दोनों पर कुल 88.9 है, लेकिन दोनों समांतर में है तो दोनों पर आवेशी मात्रा समान नहीं होगी। टोटल दोनों को मिला के कितना है, इन दोनों को टोटल मिला के 88.9 है, क्योंकि दोनों की धारिता समान है इसलिए इन लो आवेशों को आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। तो कितना आ जाएगा 44. कितना आ जाएगा देखो 44 8, तो 44 8 आ जाएगा और 0.9 है, इसको कितना लिख लें 45 लिख लेते हैं, 44.45 माइक्रोकुलम माइक्रोकुलम, ठीक है, ये 44.45 माइक्रोकुलम इसके पास होगा, 44.45 माइक्रोकुलम इसके पास होगा, और इसके पास अकेले होगा 88.9 माइक्रोकुलम। तो आपको क्या चीजें याद रखनी थी, कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर श्रेणी क्रम में है, अगर श्रेणी क्रम में है तो आवेश समान होता है और तुल्यांकी पर भी उतना ही आवेश होता है, लेकिन अगर समांतर क्रम में है तो आवेश अलग अलग होता है। तो ये 16 माइक्रोफैरड 8 और 8 को मिला के बना था, तो क्योंकि दोनों की धारिता समान है इसलिए ये आवेशों को बांट लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा बांट लेंगे, बराबर बराबर बांट लेंगे किस पर निर्भर करता है, अगर धारिता समान है तो बराबर बराबर बांट लेंगे, अगर धारिता अलग अलग है तो जिसकी धारिता ज़्यादा होगी वो ज़्यादा आवेश रखेगा, जिसकी धारिता कम होगी वो कम आवेश रखेगा, ओके। और ये सवाल आपके लिए होमवर्क है बच्चा, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको ए और बी के बीच का तुल्यांकी धारिता निकालना है बस, अगर आपसे नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसे बनाइए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका आंसर, ओके, कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा, ए और बी के बीच का तुल्यांकी धारिता कितना होगा। तो चलिए इस लेक्चर में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी लेक्चर के सेकेंड पार्ट के साथ, यहाँ पर हमने बहुत बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एडवांस लेवल पर जाएंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करेंगे, ज़्यादा हार्ड कठिन प्रश्न हल करेंगे। चलिए अलविदा।